बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शाह स्पैम कॉर्नर में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और साथ ही साथ आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज शाह किचन में मैं बना रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि सरप्राइज़ होगा, लेकिन इसकी प्रिपरेशन देखकर वो सरप्राइज़ जो है वो सरप्राइज़ रहेगा नहीं। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे केक बना रहे हैं, जो पाकिस्तान के झंडे से मिलता जुलता कुछ होगा। टाइम मेरे पास थोड़ा शॉर्ट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा काम अपना पहले से करके रखा हुआ था। तो मैंने ये 3 कप के नाप से 3 कप मैदा ले लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। इसमें छान लिया था, छान के डाल दिया। और ये वनीला एसेंस है। बाउल के अंदर मैंने 3 अदद एग्स और ये कप की मेजरमेंट से मैंने 2 कप आइसिंग शुगर ले ली है इसमें, जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ऑयल भी मैंने 1 कप इसमें ऐड कर दिया है। और वनीला एसेंस था, वो भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया। अब मैं इसको बीट कर लूँगी। टाइम को बचाना था, इसलिए मैंने पहले ही सब काम कर लिया था। मेजरमेंट मैंने आपको बता दी है कि इस तरह से करना है। बीट कर लेंगे पहले हम इसको अच्छी तरीके से। इसको हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अभी मैंने इसमें दूध ऐड नहीं किया है, तो इसमें हम धीरे धीरे मैदा शामिल करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें दूध शामिल करते जाएंगे। और वो मैं आपके सामने करूँगी, मैं दिखा दूँगी आपको कितना तकरीबन दूध डलेगा इसमें। इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करती जा रही हूँ, मैदा ऐड करती जाऊँगी और इस करती जाऊँगी ताकि इसमें लंग्स ना बनने पाए। बाकी मैदा भी डाल दूँगी। और ये मैंने इसमें 1 ग्लास दूध था जो मैंने इसमें ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा पूरा मिक्स हो चुका है अच्छी तरीके से। मैंने इसमें ग्रीस कर लिया था मोल्ड को। ग्रीस करने के बाद मैंने इस पर बटर पेपर लगा दिया और ऊपर से मैंने इसको दोबारा से जो है ना ग्रीस कर लिया है। अब मैं अपना पूरा बैटर इसके अंदर ऐड कर दूँगी, अच्छी तरीके से इसको पूरा डाल दूँगी। अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ओवन के अंदर रख दूँगी। इलेक्ट्रिक ओवन है, उसमें मैं 20 मिनट के लिए रख दूँगी। इसको बेक हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगी। ये केक हमारा बेक हो चुका है अच्छी तरीके से, सॉफ्ट अच्छा गरम हो रहा है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आता है, फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। केक हमारा ठंडा हो गया है, अब मैं इसको पलट लूँगी डिश में। ऊपर से मैं ये बटर पेपर निकाल दूँगी सारा, साइडों से भी सारा बटर पेपर निकाल दूँगी। अब मेरे पास सिरप है, इसमें आपके अंदर मैंने कॉफ़ी डाल दी थी 1 टेबल स्पून। व्हिपिंग क्रीम को मैंने आपको मैंने बताया था कि मैंने व्हिपिंग क्रीम घर में बनाई थी, होममेड व्हिपिंग क्रीम है। उसकी रेसिपी अभी मैंने आपसे शेयर नहीं की, तो टाइम की कमी की वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो व्हिपिंग क्रीम मैं आपको बाद में बता दूँगी किस तरह बनी है। और व्हिपिंग क्रीम मैंने लेकर हाफ में मैंने फूड कलर शामिल कर लिया था। ग्रीन की कॉर्नर्स पर भी मैं ये ग्रीन कलर ही लगाऊँगी। अब ये वाइट है मेरे पास, तो देखिए ये हमारा तैयार हो गया। बहुत मज़ेदार सा है और बहुत प्यारा है। अल्लाह मियाँ इसकी हिफाजत करे, हमेशा हमारे मुल्क की हिफाजत करे। इस केक की हिफाजत नहीं हो सकती क्योंकि कल तो ये ख़त्म ही हो जाता बेचारा। मुल्क के अल्लाह पाक हमारे मुल्क की झंडे की हिफाजत करे, इसको हमेशा रहती दुनिया तक कायम व दायम रखे। आमीन सुम आमीन। आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मेरी फैमिली को और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।